बसपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन के बाद ये चर्चा का विषय बन गया है। पक्ष विपक्ष इस पे बात कर रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया, इन्होंने इस गठबंधन पर क्या कहा, आइए जानते हैं। सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश हुई है। बीएसपी और अकाली दल के बीच में जो गठबंधन का फैसला लिया गया, तकरीबन 25 साल बाद दोनों पार्टियां एक साथ आई है, इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के इस कदम से मैं समझता हूं कि भारत का जो संघीय ढांचा है, जिसको परम पूज्य बाबा साहब ने बनाया और माननीय काशीराम और बहन मायावती जी मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, इस प्रयोग से इस देश के राजनीतिक चुनावी गणित में एक नया प्रयोग हो रहा है और इस प्रयोग से संघीय ढांचा भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा और मनुवादी, पूंजीवादी और सामंतवादी शक्तियां धराशायी हो जाएंगी इस बार। जैसा कि गौरतलब है कि पंजाब की राजनीति में 1996 के बाद अकाली बसपा का गठबंधन हुआ है, इससे कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। वही सुधींद्र भदौरिया, इन्होंने कहा कि इस गठबंधन से मनुवादी और सांप्रदायिक सोच धराशाही हो जाएगी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि पंजाब चुनाव में बसपा अकाली दल के गठबंधन के कारण चला है हाथी, उड़ी है धूल की बात चरितार्थ हुई है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संघीय ढांचा मजबूत करने की मान्यवर कांशीराम जी की शुरुआत को सुश्री मायावती जी निर्णायक परिणति तक अवश्य ले जाएंगे। इससे शोषित, दलित और किसान एकता भी होगी। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।